वेलकम इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम आयशा मोटर के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें आयशा मोटर्स में देखने को मिल सकती है और किस डायरेक्शन में हम हमारे ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं। आज का डेट है 15 अप्रैल 2021। अगर हम इस आज के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो लगभग 4-5% का फॉल हमें आयशा मोटर में देखने को मिल रहा है और लगभग यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन होने के बाद 9 फरवरी 2021 से ही आयशा मोटर में हमें एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली और ये रैली ने एक लोअर हाई बनाने के बाद फिर से ये रैली हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, मीन्स मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2018 से, अप्रैल 2018 से आयशा मोटर में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये डाउन ट्रेंड जब चल रहा था तो इसने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया 1253। बट यहाँ पर ये जो लोअर हाई था इसको ऑन अ मंथली बेसिस पे हमने देखा कि मंथ ऑफ नवंबर में हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला, बट इसके ऊपर जो है वो एक रैली जो था ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इस मंथली चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो अब हम ये रेड कलर के एक रेक्टेंगल से यहाँ पर सप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सप्लाई है 2693 से लेकर तो 2946 का, ये एक हायर टाइम फ्रेम का यानी मंथली सप्लाई है। और हमने देखा कि जब 1300 के आसपास से एक शार्प अपसाइड रैली हमें देखने को मिली तो ये रैली अपने मंथली सप्लाई में आने के बाद कहीं रुकी हुई हमको देखने को मिल रही है। और इस मंथली चार्ट पे एक बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न मंथ ऑफ फरवरी के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बना और वहीं से एक डाउनसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है। अभी इस मंथली चार्ट पे आपको ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है 2057 से लेके तो 2322 का, ये एक मंथली डिमांड जोन है। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली चार्ट पर, और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। इस अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आयशा मोटर का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके से मैं एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। और अगर आप देखेंगे तो आयशा मोटर में ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा था ऑन वीकली चार्ट पे, ये मंथ ऑफ फरवरी के ही कैंडल के साथ में ये वीकली ट्रेंड ब्रेक हुआ और ना कि ब्रेक हुआ उसके बाद यहाँ पर ऑन वीकली चार्ट पे एक वीकली डिमांड जोन था, प्राइस लगभग अपने वीकली डिमांड जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पर देखेंगे कि हमें क्या रणनीति अपनानी होगी कि अगर आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में या उसके पहले या कहीं यहीं पे अगर बाय किया हो या फिर जब ये अपसाइड रैली चल रही थी अगर आपने पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे आपको बाय किया है तो आज की डेट में आपके पोर्टफोलियो में आपको एक अनरियलाइज्ड लॉस देखने को मिल रहा होगा। अगर हम इस डेली चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप के साथ एक, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं डबल टॉप के साथ में एक डाउन ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पर दो हाइस को मिला के कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन बन जाता है जिसे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया ये वीकली डिमांड जोन है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रही है डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये एक वीकली डिमांड जोन है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इस वीकली डिमांड जोन के नीचे न जाते हुए प्राइस यहाँ पर फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट करता है और ऑन ए रिट्रेसमेंट पे हम इस आयशा मोटर में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं वीकली डिमांड जोन में, उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा 2345 रुपीस का और उसी के साथ हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड की अगर हम बात करेंगे और इस डिमांड जोन में अगर हम एंट्री लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा जो टारगेट है वो हो जाएगा 2693 का और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे तो
अगर ये डेली ट्रेंड डाउन हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो ऑन अ रिट्रेसमेंट में हम इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्ट से इस स्टॉक को हम बाय एंड एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो ये था आयशा मोटर का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।